नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की 2021 की टॉप 17 मूवीज़ के बारे में, जिसमें से टॉप 12 वो मेरे फेवरेट लिस्ट में है एंड बाकी के जो 5 मूवीज़ है वो मैं ऑनरेबल मेंशन के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वो ऑनरेबल मेंशन वाली मूवी जो कुछ हद तक अच्छी थी बट ये लिस्ट में वो जगह नहीं बना पाई, ठीक है। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अभी का भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप वेट करते रहना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलिए, बिना देरी किए फटाफट पहले शुरुआत करते हैं उन 5 ऑनरेबल मेंशन वाली मूवीज़ जो है उनके बारे में बात करूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में मैं बोलूँगा जो शायद आपको अटपटा लगेगा या फिर आप उससे एग्री नहीं करेंगे, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छी थी, ये मेरे लिए इतनी अच्छी थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी थी। तो आप अपने दिमाग का यूज़ करिएगा और हो सकता है कि आपके ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट हो, मैच ना करें इसलिए। तो चलिए, सबसे पहली मूवी जो है ऑनरेबल मेंशन की लिस्ट में वो है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी आफ्टर पेंडेमिक के 2 साल के बाद अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी सूर्यवंशी, जिसको मैंने नेटफ्लिक्स पर देखा था, थिएटर में नहीं जा पाया था देखने को। तो सूर्यवंशी की कहानी अच्छी थी, म्यूज़िक अच्छा था थोड़ा बहुत, एंड ओवरऑल मूवी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि कई जगह ऐसा लग रहा था कि जब टेररिज्म की बात कर रहे थे ये मूवी के मेकर्स, तो ऐसा लग रहा था टेररिज्म की बात नहीं कर रहे बट उल्टा हमें लेक्चर दे रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी, ओके थी, लेक्चर ज़्यादा दे रहे थे ना कि कमर्शियल हार्डकोर एंटरटेनिंग जो होनी चाहिए थी सूर्यवंशी, उतनी नहीं बनी अच्छी तरीके से। सिर्फ वो लेक्चर ही दिए जा रहे थे कि यार ऐसा होगा, ये वो मुसलमान, ये टेररिस्ट, ये टेररिज्म ये होता है, तो वो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। एंड जो कॉमेडी थी इस मूवी की वो मुझे लगता है बहुत ही कमज़ोर थी मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ कि सूर्यवंशी में जो कॉमेडी थी, कॉमेडी पंच लाइन्स होने चाहिए थे, वो थोड़े कमज़ोर निकले एंड उतना मज़ा नहीं आया। सो ओवरऑल थोड़ा बहुत कहानी अच्छी थी, म्यूज़िक अच्छा था, एक आध परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, इसलिए इस मूवी को मैंने ऑनरेबल लिस्ट में नंबर 1 पे डाला है। सेकंड नंबर है हसीन दिलरुबा। जब मैंने रिव्यू किया था उस वक्त भी मैंने ये बोला था और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मूवी से आप एग्री करो या ना करो, ये मूवी के एंडिंग से आप एग्री करो या ना करो, बट ये मूवी का जो जॉनर है मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर, उस एंगल से ये मूवी हमें बांध के रखती है। शुरुआत से लेकर एंड तक ये मूवी उतनी ही एंगेजिंग, उतनी ही थ्रिलिंग है और इस मूवी के जो म्यूज़िक फुट टैपिंग नंबर्स नहीं है बट हाँ हम सुन सकते हैं, ऐसा सोलफुल ट्रैक्स भी हमें इस मूवी में दिखाई देता है। उसके अलावा तापसी पन्नू, विक्रम मैसी, हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर भी अच्छे से लिखा गया था, मतलब डेवलपमेंट हुआ था कैरेक्टर का। सो ओवरऑल हसीन दिलरुबा मेरे लिए एक अच्छी मूवी थी बट उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको सेकेंड नंबर पर डाला है ऑनरेबल मेंशन के लिस्ट में। अब थर्ड नंबर है इस लिस्ट में, वो है संदीप और पिंकी फरार, स्टारिंग परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर एंड जयदीप अलावत। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी, ऑफकोर्स इट्स यशराज मूवी, तो यशराज अपनी हर मूवी पहले थिएटर में रिलीज़ करेगा, उसके बाद ही OTT पर आएगी। बट मुझे लगा इसका ट्रेलर देखते हुए कि ये मूवी डायरेक्ट OTT रिलीज़ होनी चाहिए थी क्योंकि इसका जो कॉन्टेंट था वो अच्छा था बट थिएटर के लिए ये मूवी उतनी लाजमी नहीं थी, उतनी बड़ी नहीं थी अभी के दौर को देखा जाए उसके हिसाब से। तो हम सभी को पता है कि थिएटर में जब ये मूवी आई थी संदीप और पिंकी फरार, उसने वहाँ पे कितनी कमाई की थी, और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जब ये मूवी आई अभी हाल ही में कुछ महीने पहले, तब उसने कितनी कमाई की थी हम सभी को पता है। सो इट्स अ डायरेक्ट OTT रिलीज़ होती तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अच्छी कमाई कर पाती। बेहाल ये मूवी अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था, परफॉर्मेंसेस थोड़े बहुत अच्छे थे, एंटरटेन किया था एट दी एंड मुझे। तो ये मूवी ऑनरेबल मेंशन के लिस्ट में 3rd नंबर पर।
चौथे नंबर पर मूवी है थलाइवी, स्टारिंग कंगना रनौत, अरविंद स्वामी, राज अर्जुन, भाग्यश्री। ये मूवी नेटफ्लिक्स इंडिया पर प्रीमियर हो चुकी है। ये मूवी पहले थिएटर में आई थी, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई। ये मूवी की जो मेन हार्ट है ये मूवी का, वो है कंगना रनौत का कैरेक्टर, जो जयललिता मैम की बायोपिक है ये, उसका जो मेन कैरेक्टर है कंगना रनौत का, वो ही थ्रू आउट दी मूवी। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद स्वामी भी है, बट उसके अलावा कंगना रनौत इज़ ऑल अबाउट फॉर थलाइवी। थलाइवी अगर देखनी है आपको तो कंगना रनौत के लिए आप देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसके दो गाने थे वो अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छा था, ट्यून उसका अच्छा था, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड वॉच फॉर कंगना रनौत फैंस। एंड बाकी ओवरऑल इट वॉज़ अ ओके टाइप, मैं कहूँगा अबव एवरेज ये मूवी थी थलाइवी, इसलिए ये मूवी ऑनरेबल मेंशन की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। अब पांचवी मूवी जो है इस लिस्ट में वो है मुंबई सागा। मुंबई सागा जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं दोस्तों, जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, काजल अग्रवाल, रोहित रॉय एंड बहुत सारे यार, गुलशन ग्रोवर, सुनील शेट्टी, इतने सारे एक्टर होने के बावजूद, पावरफुल एक्टर्स होने के बावजूद ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी। वंस अगेन मैं कहूँगा कि इट्स अ जॉन अब्राहम शो ऑल टुगेदर, शुरुआत से लेकर एंड तक मुंबई सागा इट्स ऑल अबाउट जॉन अब्राहम। इमरान हाशमी लीड एक्टर होने के बावजूद अगेंस्ट जॉन अब्राहम, उन्हें स्क्रीन टाइम उतना नहीं मिला था, जो कि मैं बहुत निराश हुआ था वो देखते हुए। बट ओवरऑल जो बाकी के जो को आर्टिस्ट है इसमें, जितने भी एक्टर्स थे, ऑनेस्टली कहूँगा उतना उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है, बट निकल के नहीं आया। एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, म्यूज़िक थोड़ा बहुत अच्छा था, और इसका जो कलर शेडिंग हो रहा था ना जब ये मूवी मैंने थिएटर में देखी थी बाय द वे, तो ये मूवी देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूवी ऐसे मैं उल्टी कर दूंगा मूवी देखते हुए, क्योंकि बार बार कलर चेंज हो रहा था बैकग्राउंड में, कलर शेड जो था, सिनेमेटोग्राफी जो थी इसकी चेंज हो रही थी बार बार, तो वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बहुत ही बोरिंग लग रहा था कई हद तक। सो ओवरऑल मुंबई सागा एक गुड वॉच है, बट बाकी सब मायने में ये मूवी थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए ये मूवी ऑनरेबल लिस्ट में नंबर 5 पर है। आइए हम बात करते हैं अभी टॉप 12 मूवीज़ के लिस्ट के बारे में, जो कि मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत ही पसंद आई बॉलीवुड के 2021 के मूवीज़। हम बात करेंगे 12th नंबर से, वहाँ पर है अतरंगी रे, स्टारिंग सारा अली खान, धनुष, अक्षय कुमार, एंड ये मूवी के डायरेक्टर है आनंद दयाल राय, और ये मूवी डायरेक्ट ओटीटी रिलीज हुई थी अभी 24 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इस मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग थी, इस मूवी का जो प्रीमाइस था वो इंटरेस्टिंग था, इस मूवी का क्लाइमैक्स जो था वो रुला देने वाला था, इमोशनल कर देने वाला था, ऐसा क्लाइमैक्स था, और यूनिक एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट था। सारा अली खान का परफॉर्मेंस, धनुष का परफॉर्मेंस, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड म्यूजिक एंड क्लाइमेक्स की वजह से ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, भा गई ये मूवी मुझे, इसलिए ये मूवी मेरे टॉप 12 के लिस्ट में 12th नंबर पर आते हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर की मूवी के बारे में, वो है अंतिम दी फाइनल टूर, स्टारिंग सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा मकवाना एंड महेश मांजरेकर। ये मूवी पहले थिएटर में आई थी 26 नवंबर 2021 को, फिर अब जाके Z5 पे ये मूवी रिलीज हुई है, एंड ये मूवी मैंने अभी Z5 पे देखी थी। तो ये मूवी आयुष शर्मा एंड इसका जो कॉन्सेप्ट था कि हम जो भी ख़राब चीज़ करते हैं, ख़राब किसी के साथ करते हैं, ये दुनिया गोल है, तो ये दुनिया किसी भी तरीके से आपके ऊपर वो चीज़ आएगी ही, अगर आपने किसी के साथ ख़राब किया है तो वो चीज़ आपके ऊपर बैकफायर होगा, या आपको उस चीज़ का जो भुगतान है वो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट था अंतिम दी फाइनल ट्रूथ का, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड जो क्लाइमेक्स जो ट्विस्ट डाला था अंतिम दी फाइनल ट्रूथ में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिस वजह से ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, अबव एवरेज थी मैं कहूँगा। सलमान खान का परफॉर्मेंस ओके था, गाने अच्छे थे, बट ओवरऑल ये मूवी अबव एवरेज थी। आयुष शर्मा, म्यूजिक, क्लाइमैक्स, ट्विस्ट के अलावा इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं था, इसलिए ये मूवी मेरे 11th नंबर के पोजीशन पे मैं रखूँगा टॉप 12 के मूवी लिस्ट में। अब बात करते हैं 10th नंबर की मूवी, वो है हम दो हमारे दो, स्टारिंग कृति सैनन, राजकुमार राव, अपारशक्ति खुराना एंड मनु ऋषि चड्ढा, परेश रावल, रत्ना पाठक शाह। और ये मूवी जो है, इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था,
एंटरटेनिंग था। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से यूजुअली जब माँ बाप बच्चे को गोद लेते हैं, यहाँ पे बच्चा जो है वो माँ बाप को गोद लेता है, एक फेक फैमिली क्रिएट करता है अपनी शादी हो सके इसलिए। तो वो बहुत ही यूनिक था एंड एंटरटेनिंग लगा मुझे। हाँ, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि ये जो कृति सेनन का जो फादर का कैरेक्टर है मनु ऋषि चड्ढा का, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा था, क्योंकि उसका जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था शुरुआत में, उस फिर एंड में जाके ये मूवी कुछ भी मतलब ख़त्म कर देती है, मतलब ऐसे ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर रही है ऐसा लग रहा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी ओवरऑल ये मूवी अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी हम दो हमारे दो प्रीमियर हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे 9th नंबर के मूवी के बारे में, जो है साइना। साइना स्टारिंग परिणीति चोपड़ा, मानव कौल, फिर है एहसान नकवी। ये मूवी पहले थिएटर में आई थी, फिर जाके OTT पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई थी। इस मूवी की कहानी जो है साइना नेहवाल की बायोपिक है, लीड एक्टर परिणीति चोपड़ा है। वो कहानी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छा था एंड जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था अमोल गुप्ते द्वारा, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसलिए ये मूवी जो है साइना मूवी, वो इस टॉप 12 के लिस्ट में हमारे 9th नंबर पर आती है। अब बात करते हैं 8th नंबर के मूवी के बारे में, जो है धमाका। स्टारिंग कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष एंड विश्वजीत प्रधान एंड इस मूवी के डायरेक्टर है राम माधवानी। ये मूवी डायरेक्ट OTT रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स इंडिया पर। इस मूवी की उस मूवी के रिव्यू के टाइम मैंने दो पॉइंट बोलना भूल गया था कि इस मूवी के बारे में हम सभी को पता है कि एक न्यूज़ एंकर है जो अपनी प्राइम टाइम की सीट जो है वापस पाना चाहता है, उस चीज़ के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उस कर गुजरने के तैयार के बीच में किस तरीके से उसके लाइफ में उथल पुथल मच जाती है जब टेररिस्ट का कॉल आता है। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी में जो फायर ब्रिगेड के सीन्स है या फिर पुलिस ऑफिसर के जो सीन है वो ज़्यादातर बताया ही नहीं है। ऐसा बस वो हेलीकॉप्टर का एक सीन बताया था जो ऐसे ही डालने के लिए डाल दिया ऐसा लगता है। तो ये चीज़ मुझसे छूट गई थी बोलना कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड पुलिस ऑफिसर होने चाहिए थे एंड सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट किस तरीके से क्या काम कर रहा है वो चीज़ भी नो डिटेल में बताना चाहिए था, ना कि सिर्फ न्यूज़ रूम के बारे में बताना चाहिए था। सो ओवरऑल धमाका मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे, ये चीज़ होती तो और ज़्यादा अच्छी होती। सो ये मूवी मेरे 8th नंबर पे पोजीशन पे आती है टॉप 12 के मूवी लिस्ट में। अब बात करते हैं हमारे 7th नंबर की मूवी, जो है नेल पॉलिश। स्टारिंग अर्जुन रामपाल, मानव कौल, समरीन कौर एंड रजित कपूर। ये मूवी जो है वो इस साल की 2021 की सबसे पहली मूवी थी और मैंने भी इसको पहले रिव्यू किया था 2021 में आई थी। ये मूवी Zee5 पे प्रीमियर हुई है, बक्स भार्गवा द्वारा ये मूवी डायरेक्ट की गई है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था, इस मूवी की कहानी अच्छी थी। आपको पलक झपकाने का भी ये मूवी मौका नहीं देती। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है नेल पॉलिश, ये कोर्टरूम थ्रिलर मूवी है, कोर्टरूम ड्रामा सस्पेंस से भरपूर ये मूवी है। एंडिंग जो है ना इस मूवी का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान लगाकर ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक नेल पॉलिश तो आप ज़रूर देखिए इसको, इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। थ्रिलिंग है एंड कोर्टरूम ड्रामा है, सस्पेंस है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ देखने मिलेगा। जिस तरीके से मानव कौल का परफॉर्मेंस है बहुत ही लाजवाब है, मज़ा आता है वो देखने में। इसलिए ये मूवी मेरे 7th नंबर के पोजीशन पर है टॉप 12 के बेस्ट मूवी लिस्ट में। अब बात करते हैं 6th नंबर की मूवी, जो है कागज़। स्टारिंग पंकज त्रिपाठी, मोनल गज्जर, सतीश कौशिक। ये मूवी भी डायरेक्ट OTT रिलीज हुई थी Zee5 पर एंड इस मूवी की जो कहानी थी अगेन इंटरेस्टिंग थी कि किस तरीके से पेपर पे एक कागज़ पे एक इंसान को मृत मतलब डेथ घोषित किया गया था जबकि वो इंसान जिंदा था और ये मूवी की जो कहानी है वो रियल लाइफ स्टोरी से प्रेरित है। तो इसमें किस तरीके से बताया कि एक कागज़ एक पेपर आपकी ज़िंदगी बना सकता है या फिर आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। तो इसके इर्द गिर्द जिस तरीके से सतीश कौशिक जी ने कहानी को बुना है, सतीश कौशिक जी ने कहानी को लिखा है और बनाया है, बहुत ही अच्छा है, इमोशनल कर देती है ये कहानी हमें। कागज़ जो है वो जो अगर आपने नहीं देखी है तो ये भी है मूवी, आप देख सकते हैं Zee5 पर, ये मूवी प्रीमियर हो चुकी है। ठीक है, इसमें पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, लाजवाब था और कोर्टरूम के जो सीन्स थे इसमें वो बहुत अच्छे लगे मुझे कागज़ में। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिए ज़रूर।
अब बात करते हैं स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के बारे में, जो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। ये मूवी भी Zee5 पे डायरेक्ट टू OTT रिलीज हुई थी। इसके पहले इसकी एक और आ चुकी थी स्टेट ऑफ सीज 2611 नाम से, वो वेब सीरीज़ थी, ये मूवी थी, Zee5 पे प्रीमियर हो चुकी थी। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो अगेन मैं कहूँगा कि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। 2002 में जब गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल था उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके इर्द गिर्द ये कहानी हमारे सामने रखी गई है, जिसमें है अक्षय खन्ना, विवेक दहिया एंड मंजरी फर्नांडिस एंड गौतम रोड़े। ये मूवी को बनाया है केन घोष ने। ये मूवी डायरेक्ट OTT रिलीज Zee5 पर है और ये आपको दिल थाम के आपको बैठ के देखना पड़ेगा, हुक्ड हो जाओगे आप स्क्रीन पर। जो जिस तरीके से शुरुआत से लेकर एंड तक एक्शन ही एक्शन है, इमोशनल एकदम भरपूर है, इमोशन से भरपूर ये कहानी सेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक, आपको देखना ही पड़ेगा ये मूवी। एंड मूवी की एंडिंग में हमें पता चलता है कि इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं बट आने वाला ज़रूर है। तो इस मूवी के एक्शन, इस मूवी का जो स्टोरी लाइन था, प्रीमाइस था एंड सिनेमेटोग्राफी थी, म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एंड परफॉर्मेंसेस भी ऑब्वियसली अच्छे लगे थे। अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी के बारे में, सरदार उधम सिंह। यह मूवी जब आई थी दोस्तों अमेज़न प्राइम वीडियो पर, डायरेक्ट OTT रिलीज़ हुई थी अक्टूबर 16 को। यह मूवी तभी मैंने नहीं देखी थी, पता नहीं क्यों नहीं देखी, बट बहुत टाइम के बाद नवंबर के एंड में जाकर मैंने ये मूवी देखी। बट आई विल टेल यू कि इट्स अ वर्थ वॉच सरदार उधम सिंह, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। जिस तरीके की जो कहानी है सरदार उधम सिंह की कहानी, विक्की कौशल ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत ही मज़ा आ जाता है। एंड जिस तरीके से अमोल पारसन ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है, वो दिल को छू जाता है। वो कैरेक्टर छोटा था, बहुत ही स्क्रीन टाइम उनको कम मिला था, बहुत इम्पैक्टफुल था। एंड बनीता संधू का कैरेक्टर जो म्यूट गर्ल है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो कैरेक्टर भी। सो ओवरऑल इसकी कहानी, सिनेमेटोग्राफी और जो इसका एंडिंग है लास्ट का आधा घंटा, और जो कोर्ट रूम में जो सीन्स है ना विकी कौशल द्वारा बोले गए डायलॉग्स में, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी आपको झंझोड़ के रख देती है कि जलियांवाला बाग में 1919 में क्या हुआ था। वो चीज़ मुझे तो इमोशनल कर दिया था इस कहानी ने एंडिंग में जाके। ये कहानी उतनी बोरिंग नहीं है मैं कहूँगा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब ये कहानी ख़त्म हो गई पिक्चर, इतना इंटरेस्टिंग उतना मैं खो गया था इस मूवी में। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हो चुकी है। सरदार उधम सिंह, इस मूवी के डायरेक्टर है सुजीत सरकार। आइए अब बात करते हैं टॉप 3 मूवीज़ के बारे में। थर्ड नंबर पर है मिमी, अगेन कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर जी ने, और इस मूवी का जो इमोशन है ना, इट्स टू द पॉइंट, हार्ड कोर इमोशन है इसका, इस मूवी का, मतलब दिल को छू जाती है, दिल को एकदम टच कर जाती है इसकी जो कहानी है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इस तरीके से ये जो मिमी की कहानी है उतनी अच्छी होगी। हाँ अच्छी होगी, मुझे एक्सपेक्टेशन था, बट उतनी अच्छी होगी कि मैं रोने लगूँ, मैं खुद रोने लगा था इस मूवी को देखने के बाद। मैं सोच रहा था कि मैं बोलूँ क्या इस मूवी के बारे में, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। जिस तरीके की कहानी, जिस तरीके से इमोट किया था ना कीर्ति सेनन ने मिमी के जो कैरेक्टर को, मदरूर को, जिस तरीके से लक्ष्मण उतेकर जी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छा है, इमोशनल है। मैं कहूँगा कीर्ति सेनन का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक का, जो कि डायरेक्ट OTT रिलीज हुई है। देखिए आप, नसीब देखिए कि अब तक के जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस है वो डायरेक्ट OTT रिलीज हुई है। पता नहीं क्या हो रहा है अभी इंडस्ट्री में, बट बेहाल ये मूवी अच्छी है, आप देख सकते हैं। जियो सिनेमा एंड नेटफ्लिक्स इंडिया पर ये मूवी प्रीमियर हो चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, ज़रूर देखिए। वंस अगेन मस्ट वॉच मूवी मिमी। इसका इमोशंस, इसके जो कहानी है, इसका जो म्यूजिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फुट टैपिंग नंबर्स है परम सुंदरी, आपको पता ही है। एंड जो बाकी के गाने हैं इमोशनल है, इमोशनल ट्रैक्स भी है। एंड जो कॉमेडी है ये मूवी की, बहुत ही अच्छी है, मतलब हंसाते भी है, रुलाते भी है, और हम एंगेज भी हो जाते हैं इस मूवी के साथ स्टार्ट टू एंड तक, इतनी अच्छी थी। इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कीर्ति सेनन। आइए आप बात करते हैं सेकेंड नंबर मूवी के बारे में, वो है 83, स्टारिंग रणवीर सिंह एंड बाकी के एक्टर्स। एंड हालांकि अभी ये मूवी थिएटर में चल रही है, मैंने इसको देखा था कुछ दिन पहले, बट ये मूवी का मैं रिव्यू नहीं कर पाया था। बट हम सभी को पता है कि किस तरीके से ये बॉक्स ऑफिस पे उतनी कमाल नहीं दिखा पा रही है। मैं भी बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये मूवी
कमाल क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि इस मूवी की जो कहानी थी, जिस तरीके से उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, हमने इंडिया ने पहली बार अंडरडॉग टीम इंग्लैंड जाके बाहर देश में जाके वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज़ के सामने, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया था 83 मूवी में। एंड कपिल देव का जो कैरेक्टर था, रणवीर सिंह द्वारा परफॉर्मेंस दिया गया, बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे मोहिंदर अमरनाथ का कैरेक्टर जो प्ले किया था साकिब सलीम ने, एंड यशपाल शर्मा का जो कैरेक्टर था, फिर एक और कृष्णमूर्ति करके कैरेक्टर ओपनिंग बैट्समैन है इस मूवी में, हमें पता चलता है कि वो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही मेमोरेबल बन जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाते हैं इस मूवी को देखते हुए। ये मूवी को देखते हुए मैं खुद रोया था दोस्तों, 83 मूवी को जब मैंने देखा था ना, बहुत रोया था मैं मूवी को देखते हुए। जो जिस तरीके से इंडिया के बारे में बताया है कि किस तरीके अंडरडॉग टीम विन होती है वर्ल्ड कप में जाके फर्स्ट टाइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा मुझे। 2.5 घंटे की मूवी है, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग वे एंड बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जिस तरीके की जो एंडिंग बताई है कि सारे क्रिकेटर्स के बारे में बताया है, एंड यशपाल शर्मा जी को ट्रिब्यूट दिया है शुरुआत में, बहुत ही अच्छा था। हीरोइंस इसमें ना के बराबर थी, दीपिका पादुकोण एंड बाकी की जो एक्ट्रेस थी वो भी ठीक ठाक थी, कुछ ज़्यादा काम नहीं था उनका। बट ओवरऑल 83 मूवी इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, आप जाके देखिए थिएटर में, आपको अच्छा लगे, आप प्राउड फील करोगे ये मूवी को देखने के बाद, इसलिए बोलो जाके देखिए ये मूवी। पता नहीं क्यों बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पा रही है, इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग स्टेटमेंट। बेहाल अब बात करते हैं नंबर 1 मूवी के बारे में। अब सभी को पता है यार नंबर 1 मूवी कौन सी है मेरे इस टॉप 12 के मूवी बढ़िया मूवी लिस्ट में, शेरशाह ऑफकोर्स, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, साहिल वेद, मनमृत कौर, अंकिता गोरैया, पवन चोपड़ा एंड अनिल चतुर्वेदी, बहुत सारे एक्टर्स है यार इसमें। जो डायरेक्टर है इसके, हमारे विष्णुवर्धन, ये मूवी डायरेक्ट OTT रिलीज हुई थी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। ये मूवी बहुत, मैं मूवी के बारे में बोलना ही नहीं है मेरे को यार, इतनी अच्छी, इतनी इमोशन से भरपूर, इतनी एकदम पावरफुल मूवी थी। एंड येट अगेन सिद्धार्थ मल्होत्रा का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इस मूवी में, मैं कहूँगा सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस था ये शेरशाह मूवी जो थी। विक्रम बत्रा का जो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, एंड बोलने की ज़रूरत नहीं है यार, इसका जो क्लाइमेक्स था ना, मतलब आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मेरे हाथ में रुमाल था, मैं रुमाल से पोंछ रहा था, फिर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। इसके जो क्लाइमेक्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मज़ा आ गया, और एकदम मज़ा आता यार ऐसी फिल्म को देखने का। मैंने कुल मिला के 10 बार ये मूवी देखी थी, शेरशाह मूवी मैंने 10 बार देख चुका हूँ, इतना मैं फ़ैन हो चुका हूँ इस मूवी का। अब बार बार आएगी, बार बार देखूंगा, 100 बार आएगी, 100 बार मैं देखने वाला हूँ ये शेरशाह मूवी, फिर भी मैं कंटालूंगा नहीं, बोरिंग फील नहीं होगा मुझे। तो इतनी एकदम जकड़ के रखने वाली मूवी है, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। सो ओवरऑल शेरशाह वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है मेरे इस टॉप 12 के बेस्ट मूवी लिस्ट में 2021 के। तो ये थी कुछ ऑनरेबल मेंशन की मूवी के बारे में बात किया, और कुछ टॉप 12 मूवी लिस्ट के बारे में मैंने आपके सामने बात किया। आपकी कौन सी फेवरेट मूवीज़ है, क्या इसमें वो मूवी है नहीं है, वो चीज़ आपके आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोई अगर मूवी मुझसे छूट गई हो, कुछ आपको फेवरेट लगा हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे इस वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो फैला दीजिए। एंड तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, ओनली मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।